तो स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप सभी को बताने वाला हूं कि आपके चैनल का मोनेटाइजेशन जो है वो कब तक जो है वो ऑन हो पाएगा। तो वीडियो को जो शुरू से लेकर के लास्ट तक का देखते रहिए, वीडियो को कहीं पर भी स्किप ना करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जाइए, रेड कलर का बटन दिखाएगा, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी कोई मोनेटाइजेशन से लेकर के अपडेट आए या और भी कुछ अपडेट्स आए तो वो मैं आपके तक पास पहुंचाओ वीडियो के थ्रू। तो नोटिफिकेशन जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा के रखिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों बात कर लेते हैं उनकी, जिनका जो चैनल है 4-5-6 महीने से ज़्यादा से जो है अंडर रिव्यू में पड़ा है, तो उनका मोनेटाइजेशन जो है वो ऑन होगा या नहीं होगा। तो ऐसे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, तो मैं आपका जो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर है वो बता दे रहा हूँ कि आपका चैनल का जो मोनेटाइजेशन है वो ऑन नहीं होने वाला है, क्योंकि यूट्यूब ने साफ साफ कह रखा है कि जिनका चैनल 1 महीने से ज़्यादा अंडर रिव्यू में रहता है तो जो है उनका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं होने वाला है। तो ऐसे में आप ज़्यादा कोशिश ना करें, यानी कि आप उस वीडियो पर रेगुलर चैनल जो है यानी अपडेट मत, यानी कि वीडियोज़ जो वगैरह वो अपडेट मत करिए। आप कोई नया चैनल बनाइए, उस पर जो अपना ओरिजिनल कंटेंट को अपलोड करिए, और फिर देखिए आपका मोनेटाइजेशन पक्का ऑन होएगा। मगर इस चैनल को भी आप डिलीट मत करिए, क्योंकि इसी से जो आपकी जो इस चैनल पर जो सब्सक्राइबर तो होंगे कुछ, अब जो आप अपने पिछले चैनल जो आप नया जो चैनल बनाएंगे उसकी जो वीडियो को जो यहाँ पर प्रमोट कर सकते हैं आपको, तो वहाँ पर सब्सक्राइबर मिल जाएंगे। तो इसीलिए इस चैनल को डिलीट मत कीजिए, भले ही इसका मोनेटाइजेशन नहीं ऑन होगा मगर आप जो अपना एज ए चैनल जो नया बनाएंगे वो प्रमोट कर सकते हैं। तो ये छोटा सा जो हिंट है मैंने आपको बता दिया है, तो जिन मैं दोबारा बता दे रहा हूँ, जिनका भी चैनल अंडर रिव्यू में 1 महीने से ज़्यादा वो दोबारा ट्राई ना करें, क्योंकि यूट्यूब ने साफ साफ कह रखा है कि ऐसे में उनका मोनेटाइजेशन ऑन नहीं वाला है। तब बात करते हैं जिनका चैनल एक बार अंडर रिव्यू में जाता है और फिर दोबारा से कैंसिल कर दिया जाता है। वो कैंसिल क्यों किया जाता है, क्योंकि आपने जो कुछ ना कुछ कॉपीराइट कंटेंट या कुछ भी कॉपीराइट जो वीडियो डाली होगी उसने आपने जो कुछ वीडियो उसमें अपलोड करी होगी, इसी वजह से जो आपका जो अंडर रिव्यू से जो रिजेक्ट कर दिया गया, तो आपको दोबारा से एक बार और मौका दिया जाएगा। अगर आपने उस बार भी नहीं किया तो आपका चैनल जो अंडर रिव्यू में ही रहेगा और आपका मोनेटाइजेशन कभी भी ऑन नहीं किया जाएगा। यूट्यूब बहुत ही ज़्यादा सख्त हो चुका है इन चीज़ों को लेकर के। लोग क्या करते थे, किसी भी तरीके से अपना वर्स्ट टाइम कंप्लीट किया या पहले 4 व्यूज़ का जो है वो कंप्लीट कर लेते थे ऐसे ही कैसे भी, और उनका मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता था। तो ऐसे में आप यहाँ पर वर्स्ट टाइम को लेकर के बहुत ही अच्छी चीज़ आई है। तो इसलिए आपको जो सब कुछ यानी स्टार्टिंग से आपको अपना चैनल जो है एकदम ओरिजिनल कंटेंट से ही डालना पड़ेगा, जब भी जो आपका आगे चल के मोनेटाइजेशन ऑन होगा। वीडियो वायरल के चक्कर करने के चक्कर में बहुत से लोग करते क्या कि टिकटॉक की और म्यूजिकली यानी कि टिकटॉक म्यूजिकली जैसी ऐसी कुछ भी अजीब सी वीडियो उठा के, यानी कि किसी और प्लेटफॉर्म की, यूट्यूब की नहीं हो, वो म्यूजिकली फेसबुक कहीं की भी वीडियो उठा करके अपलोड कर देते हैं और थंबनेल वगैरह चेंज वगैरह करके जो भी उनके पसंद आए तो वो लगा देते हैं और व्यूज़ ले जाते हैं, मिलियनों में व्यूज़ आ जाते हैं उनके। तो ऐसे में वो 4 वॉच टाइम जो कंप्लीट कर लेते हैं और कुछ वीडियोज़ उनकी अपनी खुद ही होती, तो वो ऐसे में सोचते हैं कि यूट्यूब को पता नहीं चलेगा। तो ऐसे में साफ साफ बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर यूट्यूब आपसे भी ज़्यादा चालाक है, तो वो आपकी वीडियोस को 1 महीना मतलब कि जितना भी टाइम लेता है वो अंडर रिव्यू में, तो वो क्यों लेता है, आपके चैनल को चेक करता है कि आपने कौन सी वीडियोस अपलोड की, आपने क्या क्या उसमें मतलब बताया है। TTS का यूज़ करते तो कुछ लोग की न्यूज़ बना दी TTS से, टेक्स्ट जो रहता है टेक्स्ट का जो वो चलता रहता है साउंड, तो ऐसे में वो भी नहीं होने ऑन होने वाले हैं। तो ऐसे में आप जो आपको खुद की अपनी ओरिजिनल वॉइस जो है वो डालनी पड़ेगी अगर आप वॉइस ओवर वीडियो बनाते हो। तो ऐसे में अगर और भी कुछ आपके क्वेश्चंस हैं तो वो नीचे कमेंट कर दीजिए और मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, वो या तो मैं अगले वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई करूँगा, वरना तो फिर अगर ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा उसमें आपके सभी क्वेश्चंस का जो रिप्लाई कर दूँगा। और कॉमेंट जरूर कीजिए, अपने क्वेश्चन जरूर पूछिए, वीडियो कैसा लगा वो बताइए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकन को जो ओपन कर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कुछ और क्वेश्चन हो, शायद मैंने सभी क्वेश्चन जो है इसमें कवर कर लिए हैं।